पर जिले के इतने कलाकारों को एक रंगमंच में इकट्ठे होने का काम पूरे कलाकारों ने किया है, ये भी धन्यवाद बधाई आपको। भले ही हमारे बीच में हमारे छोटे भाई मुकेश दुबे जी नहीं रहे, लेकिन हम सब एक परिवार हैं, आपके साथ पूरे लोग हैं। और ऐसी कुछ बातें रहती हैं दिल में, वो आपने मुकेश भाई को नहीं बताया होगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जितने जो कलाकार हैं जैसे जब भी कुछ उपलब्धि हासिल करें तो इसको जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि ये उपलब्धि से अपने को, अपने घर परिवार को, समाज को एक नई दिशा मिल सके। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कई राज अपन जीते जी किसी को बताते नहीं है, जो बाद में फिर धीरे धीरे जब इसकी पता चलती है तो बड़ी मतलब सही लगता है। पर जैसे फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रहे थे आप, देखो सारे लोग एक सारे जितने भी यूट्यूब चलाते हैं उनके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा, अभी जितने भी लोग यहाँ पर हम इस भी मंच में हैं तो मानव कल्याण करने के लिए नैतिकतावादी प्रकृतिवादी ये ऐसे विचारों को आप अपने कार्यों में समावेश करें ताकि किसी को भी ना ये जमाना बहुत खराब है। कहीं ना कहीं बातें ये बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुकेश दुबे को मैं जितना जानता हूँ शायद आपको भी जानता हूँ, थोड़ा सा जिंदगी सौगा किसी से भी फिट जाकर हमने बहुत समझाया कि किसी के साथ भी लक्षण मत रखा कर जमाना खराब है, फिर भी मेरी बात को नहीं माना, नतीजा भी खराब था देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे बीच से चला गया वो ठीक है, लेकिन आप लोग हमारे समाज की धरोहर हैं, आप लोग हमारे समाज की धरोहर हैं। हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भाई बहन हमारे बीच से उठ जाए, समाज की जो ये जो समाज को जो नुकसान होता है इसकी भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि बोलते ना कि एक जो कलाकार जाता है तो शायद उसके जैसा हम नहीं बना सकते, हाँ उससे बेस्ट बना सकते हैं, उससे नीचे बना सकते हैं, लेकिन सेम दूसरे फोटोग्राफी को नहीं बना सकते। तो सावधानी थोड़ा सा आप लोग भी बरतें, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर सारे जितने संगीतकार हैं या जो गायक हैं यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम किए हैं, यहाँ पर मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहता हूँ, पूरे लोगों का नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हमारे बीच में जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं शर्मा जी और संगीत के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं शर्मा जी, जो कैलाश सलांगर उनका भी शानदार योगदान है संगीत के क्षेत्र में, और ऐसे ही जिले में जो लगातार आपके अंदर जो कला जो टैलेंट कहीं ना कहीं आपके अंदर है, मतलब जो टैलेंट है गाने का, लेकिन जब तक उसको म्यूजिक नहीं मिलेगा, वैसे ही हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब सम्मानित अखिलेश जैन जी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है बैतूल की प्रतिभाओं को मतलब तराशने का काम। जब मैं उनके स्टूडियो में पहली बार मुकेश भाई के मेरे मतलब जो लास्ट गाना गाया राजा भैया ने बैतूल में कोचिंग लगाया, तब मैं अखिलेश जैन के स्टूडियो में गया, तो बहुत सारे कलाकार जो हमारे समाज के टैलेंट तो है उनके अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। तो मैं जिस प्रकार मैं भी बच्चों का मनोबल बढ़ाता हूँ वैसे ही अखिलेश जैन भी बढ़ाते हैं, मैंने देखा हूँ ऐसा ऐसा खुद ही गुनगुनाने लगते हैं, मतलब प्रयास करते हैं कि मतलब इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। वैसे बहुत सारे मतलब आरती को देख सकते हैं, आरती को तो मैंने तैयार किया और नवी